नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में मददगार बनने के लिए अमेरिकी विशेषज्ञ करेंगे सहायता। अमेरिकी सांसदों ने भारतीय राजदूत के साथ वर्चुअल मीटिंग की। गृह मंत्रालय का सख्त आदेश, कोविड गाइडलाइन का पूरे देश में हो सख्ती से पालन। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से राहुल गांधी को कहा बुद्धू, बोले सरकार के चमचे मुझसे पूछेंगे मैं शांत क्यों बैठा हूँ। जाने माने एंकर रोहित सरधाना का हार्ट अटैक से हुआ निधन, हॉस्पिटल में चल रहा था कोरोना का इलाज। आयुष मंत्रालय का दावा, कोरोना आयुष 64 दवा कोरोना के हल्के लक्षण में मरीजों पर है कारगर। 18 साल से अधिक के लोगों को टीका लगाने से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों ने किया इनकार, वैक्सीन की कमी को बताया कारण। केजरीवाल बोले वैक्सीन मिलते ही जल्द शुरू करेंगे अभियान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से टेस्टिंग, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन को लेकर किए कई सवाल, कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने का दिया निर्देश। उधर दिल्ली हाई कोर्ट में दलील देते हुए रो पड़े बार काउंसिल के अध्यक्ष, अदालत ने कहा ये राज्य सरकार की नाकामी है। कृषि कानून पर नर्म पड़े किसान नेता राकेश टिकैत, बोले सरकार से दोबारा वार्ता को है तैयार, लेकिन है हमारी भी कुछ शर्तें। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना संक्रमण से हुआ निधन, सीएम नीतीश कुमार समेत कई लोगों ने जताया शोक। उत्तराखंड में बिजली की दरें बढ़ाने पर विरोध में उतरे व्यापारी, कोरोना काल में दरें बढ़ाने के निर्णय को बताया शर्मनाक। उधर उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू से बस कारोबारियों के कारोबार पर भी लगा ब्रेक। कोरोना को हराने के बाद मोर्चे पर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ, लखनऊ में बने DRDO के अस्पताल का किया निरीक्षण। झारखंड में दवाओं की कालाबाजारी पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, CID को मॉनिटरिंग का दिया निर्देश। मुंबई में पास्कल नाम का डेकोरेटर मुफ्त में बांट रहा है ऑक्सीजन, पत्नी की दोनों किडनी है फेल और 5 साल से डायलिसिस पर है। मध्य प्रदेश में दूसरे दिन भी घटी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, वहीं भोपाल का एक युवा प्लाज्मा, ऑक्सीजन और इंजेक्शन दिलवाने में कर रहा है लोगों की मदद। रेमडेसिविर की नहीं होगी किल्लत, आज कई देशों से 75,000 सीसीओ की पहली खेप भारत पहुंची। जम्मू में बड़ी लापरवाही आई सामने, JMC जम्मू में लीकेज के कारण कई टन बर्बाद हो रही है ऑक्सीजन। मतगणना के बाद ममता बनर्जी ने अपने सभी उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक कर, उधर चुनाव के बाद भी बंगाल में नहीं थम रहे हैं झड़प। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में बम फटने से एक मजदूर रविंद्र की गई जान। गुजरात के स्थापना दिवस पर 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगेंगे कोरोना टीका। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल ने ATMK के रिजल्ट की तारीख 4 मई को जारी करने की घोषणा की, आधिकारिक वेबसाइट amtms.com पर जाकर देख सकते हैं। IPL 14 में वीरेंद्र सहवाग ने पृथ्वी शॉ की तारीफ, कहा अपने समय में वे नहीं कर सके थे ऐसा काम। आज है दादा साहब फाल्के का जन्मदिन, पत्नी के गहने गिरवी रखकर पहली फिल्म बनाई थी उन्होंने। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।